नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन एक मिनट दस बड़ी खबरों में। तो चलिए रुख करते हैं आज की दस बड़ी खबरों की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण अधिसूचना जारी, रोटेशन सिस्टम लागू। इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है। पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाएगा। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को मिली बड़ी राहत, राजस्थान सरकार की दलील खारिज। बता दें कि जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दलीलों को खारिज किया है। किसान नेताओं को भरोसा, आंदोलन से दबाव में आ गई है सरकार। किए कई दावे, किसान नेताओं का दावा है कि सरकार चाहे जो कर ले लेकिन यह आंदोलन नहीं टूटेगा। ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा सिर्फ 2 आदमी चला रहे देश, उनकी वॉशिंग मशीन में सब हो जाते हैं साफ। दरअसल ममता एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी, इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर भी मोर्चा खोला। यूपी के जिला शाहजहांपुर थाना तिलहर क्षेत्र के मोहल्ला चौहटिया में आर्थिक दंगी के कारण मां से हुआ था झगड़ा, 2 बेटियों ने कर ली खुदकुशी। यूपी के वाराणसी में आर्थिक तंगी से परेशान मां 2 बच्चों संग कुएं में कूदी, दोनों मासूमों की हुई मौत, जबकि महिला को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6,000 रुपए में COVID-19 ऑफर कर रही फर्जी वेबसाइट को लेकर सरकार ने किया आगाह। सरकार ने गुरुवार को उस फर्जी वेबसाइट को लेकर लोगों को आगाह किया है, जो दिखने पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट की तरह लग रही है। भारत में COVID-19 के मामले लगातार घट रहे हैं, सरकार को गर्व होना चाहिए। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोड्रिको ऑफ्रिन ने जताई खुशी। सब कुछ सामान्य है, बिना किसी डर के उत्तराखंड आ सकते हैं पर्यटक। चमोली में आई बाढ़ के कुछ दिन बाद उत्तराखंड के पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने की अपील। प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद आई छोटी सुनामी से खतरा टला, लोगों ने ली राहत की सांस। बता दें कि बुधवार को आए भूकंप का केंद्र लॉयल्टी द्वीप समूह से 6 मील दक्षिण पूर्व की गहराई पर था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।